हेलो बच्चों, हम लोग आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। रीज़न ये है कि क्वाड्रिलेटरल्स हमने डायरेक्टली शुरू किया और ट्रायंगल शुरू नहीं किया है। आप जो रिसेंटली आप देखे होंगे कोरोना की वजह से जो क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं स्कूल में, तो उसका ध्यान रखते हुए तो कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। पढ़ना है हम लोगों को, अगर वक्त मिलेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन चूंकि प्रायोरिटी हमें उन चैप्टर्स पे देना है जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में भी है, तो आपके चैप्टर्स में जो आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसमें ट्रायंगल्स चूंकि हटा दिया गया है, तो इसीलिए हमारी प्रायोरिटी ये बनती है कि पहले वो चैप्टर्स पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में क्वाड्रिलेटरल्स है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? क्वाड्रिलेटरल्स। ज़रा रुकें, थोड़ा मैं ठीक कर लूँ वायर को। हाँ, तो मैं कह रहा था चूंकि आपका ट्रायंगल्स नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम ट्रायंगल्स अगर पढ़ेंगे भी तो ऐसे वक्त पे पढ़ेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो सिलेबस में चूंकि ट्रायंगल्स नहीं है, तो हम लोग पहले ट्रायंगल्स को ना पढ़ के सीधे क्या शुरू करेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल्स। इस क्वाड्रिलेटरल्स में अगर हम क्वाड की बात करें, क्वाड का मतलब ही क्या होता है? चार। क्या होता है? चार, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग इसमें फिगर्स बहुत सारे पढ़ें, क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर। नाम सुने होंगे आप, क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर। क्वाड्रिलेटरल कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है। और कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? चार, और सिंपल है। तो चार लाइन सेगमेंट्स होंगे, सिंपल सी बात। और ये ए बी सी डी सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात, बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए ये लाइन सेगमेंट्स हैं, कौन कौन बताइए? और क्लोज्ड ए बी बी सी सी डी डी ए। अगर इसको हम क्या बना दें? लाइन भी बना दें तो भी हमारा वही फिगर बनेगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया बताइए? ए बी सी डी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो गया। इससे पहले क्या बनता है हमारा? ट्रायंगल, तीन साइड से, और दो साइड से क्लोज्ड फिगर तो बनने वाला नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया बताइए? क्लोज्ड एंड सिंपल फिगर। सिंपल फिगर मेड ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? इट इज अ क्लोज्ड एंड सिंपल फिगर मेड ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। सिंपल सी बात है। इससे रिलेटेड कुछ हमारे टर्म्स हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? कॉन्जेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। क्या टर्म है बताइए? यहीं से सारा सीख लेंगे। क्या पढ़ेंगे बताइए? कॉन्जेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि टर्म सब आएगा तो आपको परेशानी ना हो, जिसकी वजह से मैं करा दे रहा हूँ। ए बी सी डी, साइड क्या हो गया? ए बी बी सी सी डी डी ए। और एंगल्स क्या क्या होगा? एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, ये कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल, याद रहे, ठीक है ना? ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सब में इंटीरियर होगा और सब में एक्सटीरियर होगा। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन हो गया बताएं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसको ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल वन, और ये क्या हो जाएगा? डायगोनल टू। तो बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कॉन्जेक्यूटिव और एडजेसेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम सटा हुआ होगा। कॉन्जेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं ए बी और ए डी में कॉमन वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, याद रहे, ये जो पॉइंट है, जो हमारा कॉर्नर है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। ये सब टर्म आप जानते जाएं, वर्टेक्स है, और वर्टेक्स का प्लूरल क्या है बताइए? वर्टिसेस। दैट मीन्स दो साइड्स हैं हमारे, कौन कौन? ए बी और ए डी। ए बी है और ए डी है, ये कैसे साइड्स हैं बताइए?
कॉन्जेक्यूटिव साइड्स, हाँ ठीक, कॉन्जेक्यूटिव साइड्स या एडजेसेंट साइड्स। इन दोनों साइड्स में देखिए ए बी और ए डी, साइड एक लाइन सेगमेंट है जिनके दो इंड पॉइंट्स है, फिनाइट लेंथ का होता है, ए बी है और ए डी है, इसका एक पॉइंट क्या है कॉमन है, एक वर्टेक्स अगर कॉमन हो जाए तो जो साइड्स होंगे कैसे साइड्स होंगे, कॉन्जेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड्स। दूसरा क्या होगा बताइए, ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी, उसी तरह से तीसरा क्या हो सकता है डी सी एंड सी बी, चौथा क्या हो सी बी एंड बी ए, दीज आर कॉन्जेक्यूटिव साइड्स। तो क्या होगा ये कॉन्जेक्यूटिव साइड्स, कॉन्जेक्यूटिव साइड में क्या होगा बताइए, वन वर्टेक्स कॉमन, वन वर्टेक्स कॉमन। तो हमने क्या सीखा, क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड एंड सिंपल फिगर है जो चार लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, कॉन्जेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स, साइड्स जाना, कॉन्जेक्यूटिव और वर्टेक्स भी जाना, जो पॉइंट्स है जो कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोलेंगे, और ये सारे क्या एंगल्स हैं, एंगल की भी दो किस्में हैं, एक्सटेरियर एंगल और इंटेरियर एंगल, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ आ गई, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, वैसे सब बहुत ही बेकार बातें हैं लेकिन तब भी आपको पढ़ना है, ऑपोजिट साइड्स क्या बताइए, ये ए बी उसका जस्ट ऑपोजिट कौन है, डी सी, जिनका कोई भी वर्टेक्स कॉमन न हो, तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स। और क्या होगा देखिए, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आर ऑपोजिट साइड्स, इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा, ओके उतार लें इसको। इसी तरह से क्या होगा आपका कॉन्जेक्यूटिव एंगल्स, क्या होगा कॉन्जेक्यूटिव एंगल्स, क्या होगा बताइए, कॉन्जेक्यूटिव एंगल्स कौन कौन होगा, एंगल ए और एंगल बी, इसमें क्या कॉमन होगा बताइए, साइड कॉमन होगा, एंगल ए एंड एंगल बी, इसमें क्या कॉमन है बताइए, सॉरी एंगल ए और एंगल बी ये दोनों मिला के क्या बनेगा, एक साइड बनेगा, मेरी बात समझ आ रही है। उसी तरह से एंगल डी और एंगल ए क्या होगा बताइए, कॉन्जेक्यूटिव एंगल होगा, डी और सी कॉन्जेक्यूटिव एंगल होगा, सी और बी कॉन्जेक्यूटिव एंगल होगा। याद रहे अभी हम जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो 180 होगा, इसके लिए दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, फिर वो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसी तरह क्या होगा एडजेसेंट एंगल्स और कॉन्जेक्यूटिव एंगल्स हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा ऑपोजिट एंगल्स, कौन सा एंगल्स बताइए, ऑपोजिट एंगल्स, ये बताने की जरूरत नहीं है अब, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, ऑपोजिट्स, ऑपोजिट एंगल्स। उसी तरह एंगल बी और एंगल डी क्या होगा, ऑपोजिट एंगल होगा। तो ये सिंपल सी बात है, डायगोनल कौन होगा, ए सी एंड बी डी। हमें क्या पढ़ना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टॉपिक डालें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। डोंट वरी, बहुत इजी है, बहुत इजी, ऐसा स्टेटमेंट मैथ्स का जिसको प्रूफ करते हैं उसको थ्योरम कहते हैं। तो थ्योरम हमारा है, थ्योरम उसको कहेंगे, स्टेटमेंट देंगे और वो प्रूफ हो सकता है, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। याद रहे कौन से एंगल की बात हो रही है अभी, इंटीरियर एंगल्स, याद रहे इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन हर पॉलीगॉन के लिए क्या होता है, मैंने एक बात कहना भूल गया, क्वाड्रिलेटरल क्या है, जो क्लोज्ड और सिंपल कर्व हो, क्लोज्ड और सिंपल फिगर हो, लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक है। तो हमने कौन सा एंगल की बात किया, इंटीरियर एंगल्स की। तो जब भी हमारा क्या होगा, थ्योरम की बात करेंगे तो उसका जरूरी है कि क्या होगा, प्रूफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ओके। चलो प्रूफ करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री।
तो बोल दिया है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब हमारे पास गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन है हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दिस इज गिवन। उसके बाद हमने क्या किया, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, ये हमारी बेसिक बात है जो लिखना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, कुछ करना है, क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन। वैसे इजी है क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो हमें मेंटेन करना है, ए को डी से मिला दें या बी को सी से मिला दें, ज्वाइन बी सी, ज्वाइन बी सी, आप कलर चेंज करेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि दो ट्रायंगल्स हो गए, कौन कौन, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल सी बी डी, इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो आप नोट डाउन करें, इसको प्रूफ करेंगे, जगह कम है इसलिए मैं मिटा दूंगा, सिंपल सी बात हो गई, नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, प्रूफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल क्या ए सी बी, इसको अगर देखें एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल बी लिखिएगा तो ये समझना मुमकिन नहीं होगा ना कि पूरा एंगल ले रहे हैं या वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा सोच समझ के लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, ये वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये मिलके कितना हुआ 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसके भी ये प्रूफ भी बहुत इजी है, ट्रायंगल्स में उसको प्रूफ कर दिया गया है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में अब नहीं है तो आपको याद रख लेना है, एंगल बी सी डी या एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये आप तो समझ रहे हैं ना, सी बी डी ये वाला, बी सी डी ये वाला, प्लस एंगल बी डी सी, जो एंगल लेंगे उसको बीच में लिखते हैं, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन टू हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट वन और टू को क्या कर दें, ऐड कर दें, बहुत सिंपल। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर लीजिए एंगल ए और एंगल बी डी सी, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिंगल एंगल है, एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी को ध्यान से देखिए, एंगल ए और एंगल डी, इसको एज इट इज लिख दीजिए, लेफ्ट वाला अलग ऐड हो जाएगा और राइट वाला अलग ऐड हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस, चलिए कोई बात नहीं पूरा लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी डी, आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं, एंगल ए प्लस, अब देखिए ए बी सी और साथ में होगा सी बी डी, ये पूरा क्या, ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी है ना, इसको ध्यान से देखिए, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी, यहाँ पे इस दोनों को अगर एक साथ देखें तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखिएगा, अगर ए सी बी, ए सी बी प्लस बी सी डी, ए सी बी प्लस बी सी डी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, प्लस लास्ट में क्या, एंगल डी, बराबर क्या होगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री, समझ आया होगा ऐसा मुझे लगता है। सिंपल सी बात है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या लिया, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, एक्चुअली ए बी डी सी, ठीक है कोई इशू नहीं है, मैंने क्या कर दिया ए बी डी सी ले लिया है, कोई इशू नहीं है, इसका ध्यान रखें, आप चाहें तो ए बी सी यहाँ लिख दें और डी यहाँ पे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमने ये प्रूफ कर दिया
के क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का जो समेशन है वो कितना है 360 डिग्री है। तो आप ध्यान से रखें कि मैं जब लिखा था क्वाड्रिलेटरल वो ए बी सी डी के जगह ए बी डी सी कर दें, क्या कर दें ए बी डी सी, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है दिखने में, लेकिन ए बी सी डी की जगह आप क्या कर दें ए बी डी सी कर दें, ठीक है। उसके अलावा सारी चीज़ें वही हैं, क्योंकि ए बी सीरियल में लिखा जाता है ए बी डी सी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ऐसा उल्टा हो गया था। चलिए खाली सिर्फ यहाँ आप ठीक कर दें ए बी डी सी, उसके अलावा सारी चीज़ें वैसे ही हैं। चले तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का समेशन कितना होता है 360 डिग्री। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर होमवर्क दे देंगे, उसके बाद आज की कहानी खत्म हो जाएगी। क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्वाड्रिलेटरल के जो फोर एंगल्स हैं इंटीरियर उनका समेशन कितना होता है 360 डिग्री। क्वेश्चन आपका आरडी शर्मा से हम लोग करेंगे, है ना, एग्जाम्पल्स हम करते जाएंगे, आपको एक्सरसाइज करना है। लेवल वन का एग्जाम्पल वन है, एग्जाम्पल वन क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 100 डिग्री, कोई रिस्पेक्ट मतलब ए बी के बाद हमने जो सी लिख दिया था वो गलती हो गई थी, उसका ख्याल रखें आप, 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री। Find the fourth angle. Okay. Question में है कि चार angles हैं, कौन कौन, आप ऐसे questions के लिए कर सकते हैं एक figure बना सकते हैं, just एक figure बना लें एकदम random सा A B C D, इसको मान लेते हैं angle A, चलिए कोई बात नहीं, X Y Z, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने क्या जाना है कि चार एंगल्स का जो समेशन होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या करना है बताइए, 100 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस क्या होगा, सब मिलके कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो जो होगा, जो क्या होगा उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, सॉल्यूशन कर लें, सिंपल सी बात है, एक्स इज इक्वल 360 डिग्री माइनस 192 और 98 कितना हो जाएगा, जैसे 100 और 190 कितना 290 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री, सही आंसर है। डिग्री में आप डिग्री ज़रूर लिखें, क्योंकि ये डिग्री एक यूनिट है किसका, एंगल का, और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और रेडियन है ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, इसको कभी समझाएंगे फिर, ठीक है। तो आपने क्या जाना कि तीन एंगल्स गिवन है और एक एंगल निकालना था, तो उसको जस्ट निकाल दिए, कैसे, तीनों को जोड़ दिए, 360 डिग्री माइनस वो कर दिए, तो आपका आंसर आपके आगे मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड्स बी एंड डी सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं नेक्स्ट ये नहीं है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिल ए बी सी डी, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पूरा लिख सकते हैं आप, द एंगल्स ए बी सी एंड डी आर, द एंगल ए बी, एंगल्स ए बी सी एंड डी आर इन द रेशियो 1:2:3:4, इन द रेशियो, बुक नहीं है तो आप कॉपी कर लें या बुक से करें, 3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है, हर एक एंगल का आप क्या करें मेजरमेंट निकालें, सिंपल सी बात है। रेशियो अगर गिवन है, रेशियो का क्या मतलब है, जैसे मैं बोलूं एक्स और वाई का रेशियो गिवन है 5:2, इसका मतलब ये कि ये कितना है, ऊपर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल, 5:2 बचेगा, लेकिन हमें पता नहीं है किससे मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग करते क्या है इस केस में, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी किससे x से, तो
तो रेशियो जब भी रहता है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं जानने की वजह से हम सब में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स या वाई या जेड किसी से भी, चूंकि एक्स वाई था तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करना सही नहीं होगा, यहाँ मान सकते हैं। तो हमारा क्या क्या होगा एंगल, एक्स 2x 3x 4x, एंगल्स आर क्या हो गया बताइए, एक्स 2x 3x एंड 4x, ये मान लिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, लेट द एंगल्स आर ऐसा लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 300 कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 x बराबर 360 डिग्री, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, x कितना आया 36 डिग्री, x मिल गया। तो दूसरा एंगल क्या होगा, 2x, x ही हमारा क्या है एंगल A, 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री 72 डिग्री, ये हो गया एंगल B। उसके बाद 3x क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 108 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा C। उसके बाद क्या हो जाएगा 4x 4 इंटू 36 142, ये हो गया एंगल डी। ये चारों जो एंगल्स हैं इसको जोड़ के अगर आपका 360 डिग्री आया तो सही है, देख लेते हैं, 6 6 2 8 8 16 4 20 का 0 2 2 3 5 7 12 12 12 4 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 1 3 360 डिग्री आ रहा है। तो आपको एंगल्स बाद में अगर जोड़ लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही है या नहीं है, इसका ज्ञान आपको ऐसे ही पता चल जाता है, आपको आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उतार लें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोर्ड में लिखता हूं, एग्जांपल 3, द साइड्स बी ए एंड डी सी, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आर प्रोड्यूस्ड एज शोन, इन फिगर प्रूव ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में नज़र आ रहा है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है एग्जांपल्स का, और देखिए क्वेश्चन क्या है, द साइड्स बी एंड डी सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी गिवन है, किधर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी गिवन है, आर प्रोड्यूस्ड एज शोन, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया गया है आगे, और प्रूव करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आपको ट्राइंगल का आपको एक थ्योरी याद करना पड़ेगा इसके लिए, ये ट्राइंगल है, ये मान लेते हैं x है और ये y है और ये z है, तो ये आप जान लें कि ये जो एक्सटेरियर एंगल है और ये बचे दो इंटीरियर एंगल्स हैं इसके समेशन के बराबर होता है, x इज इक्वल टू y प्लस z। तो ये थ्योरी आपको अभी याद रखनी है कि जो इंटीरियर एंगल्स का समेशन है और जो x दो इंटीरियर एंगल्स का समेशन तीसरे वाले एक्सटेरियर एंगल्स के इक्वल होता है, तो ये आपको थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा चलिए करके देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल ए डी बी लें, ट्रायंगल ए डी बी, इसको ध्यान से आप देखें, ट्रायंगल ए डी में एक्सटेरियर एंगल कौन है, बी, एंगल बी, दैट इज बी इज इक्वल टू ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी, ये आपका इक्वेशन वन हो गया, ठीक है।
ट्रायंगल अगर हम किसकी बात करें, बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी इसकी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस क्या हो जाएगा, सी बी डी प्लस सी डी बी। सिंपल सी बात आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब क्या करें, वन और टू को ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे तो बी और ए ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी और एंगल ए डी बी, सब उतार लेते हैं पहले, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी। इसको सॉल्व करें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डी बी, ए डी बी और सी डी बी, ए डी बी और सी डी बी, देखिए ए डी बी और सी डी बी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, वाई। उसी तरह से ए बी डी, ए बी डी और सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक्स। इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन करें, आशा करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या था, उसमें मेन आपका जो मुद्दा था वो ये कि दो एंगल्स का, दो इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है वो तीसरे वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, किसमें, ट्रायंगल में। क्योंकि ट्रायंगल आपके सिलेबस में है नहीं अभी, तो आपको ट्रायंगल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरीज हम पढ़ते जाएंगे, उतार लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एग्जाम्पल फोर, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए ओ एंड बी ओ आर, ए ओ एंड बी ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये फिगर गिवन है आपका, ए बी सी डी और यहाँ पे आपका ओ, ये वन है और ये टू, ध्यान रहे ये सब बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये वन तो ये भी वन होगा, ये टू तो ये भी टू होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दें, एंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी को देखें, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए ओ बी को अगर ध्यान से देखें, एंगल वन, एंगल वन प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल टू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ आपको दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल वन प्लस एंगल टू। तो एंगल ए ओ बी ही तो हमें निकालना है, ये क्या हो जाएगा, वन और टू, ये वन क्या है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर मतलब ये इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल वन ए, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल टू, ये क्या होगा, बी का आधा होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि क्या है, बाइसेक्टर है तो आधा ही ना होगा, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कॉमन, ये बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कितना बचेगा बताए, हाफ ए और बी से अगर 360 हट जाए तो सी और डी बच जाएगा, तो बचेगा 360 डिग्री माइनस
एंगल सी प्लस एंगल डी। फिर मैं कह रहा हूँ 360 डिग्री से एंगल सी और एंगल डी का समेशन हटा दें तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। ऐसे ना होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस सी प्लस डी। याद रहे कि हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल देख लीजिएगा इसको। फिर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 160 डिग्री माइनस हाफ इंटू 360 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी। 180 कैंसिल हो गया तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। ये प्रूफ हो गया। इसके बाद एक लाइन और है जो आप लिख लीजिएगा खुद, ये हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उतार लें इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी एबीसीडी मीट सी डी एंड ए बी मीट सी बी एंड ए डी मीट सी डी मीट सी डी एंड ए बी मीट सी डी एंड ए बी प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, प्रूव, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल ए बी सी ए डी सी। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे तो फिगर भी लिख बना लेते हैं। ये फिगर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको ऐसे लेके आया गया, इसको ऐसे लेके जाया गया, ठीक है ना, इसको ऐसे हम आगे बढ़ाएं, ये यहाँ पे मिला, इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, ये यहाँ पे मिला, ठीक है ना, इसको प्रोड्यूस किया और ये पी में मिला है और ये कहाँ मिला है, क्यू में। ठीक से उतारें, ये पी में मिला और ये क्यू में मिला है, और दिया हुआ है 3 4, ये क्या है 3 और ये क्या है 4, बराबर नहीं है ध्यान रहे, और ये क्या है 1 2 1 और ये 2। ठीक, इसको आप नोट डाउन करें अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है पी और क्यू का जो समेशन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो समेशन है, ए बी सी ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी का जोड़ का आधा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी बी सी ट्रायंगल क्या लेंगे, सॉल्यूशन ट्रायंगल पी बी सी। पी बी सी को देखें आप, ट्रायंगल पी बी सी किधर है, पी बी सी, पी बी सी की अगर बात करें तो पी बी सी में क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस बी एंगल 4 प्लस एंगल सी, तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल पी प्लस 4 जो होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बी का बाइसेक्टर है 4, बाइसेक्टर मतलब ये 3 और 4 सेम है, मतलब बी का ये 4 क्या है, आधा है, ये आप समझ रहे हैं ना, बाइसेक्टर का मतलब जैसे ये बाइसेक्टर है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी x है और ये भी x है, ये अगर एंगल a है तो x प्लस x मिलके क्या होगा a, तो 2x बराबर क्या होगा a, तो x बराबर क्या हो जाएगा a का आधा। ठीक है ना, तो वो आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 एंगल b का आधा हो जाएगा, एंगल b बाई 2 हाफ ऑफ एंगल
बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये आपका इक्वेशन वन मान लेते हैं। उसके बाद इसी तरह से हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे पीबीसी के, पीबीसी है क्या लेंगे, क्यू ए डी ट्राइंगल, क्यू ए डी ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल, क्यू प्लस एंगल क्या होगा वन प्लस एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, वन और टू ये बाइसेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा एंगल डी का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, ये इक्वेशन क्या हो गया टू हो गया। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, कौन कौन, वन और टू ऐड कर देंगे। थोड़ा ध्यान से आप देखते जाइए, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, पी और क्यू जुड़ गया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाएगा, तो क्या होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस हाफ कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 कितना होगा 360 डिग्री। तो बी और डी की अगर बात करें, बी और डी का आधा हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, और ए और सी यहाँ पे 360 डिग्री, माइनस ए प्लस सी कर देते हैं उधर ले जाके, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, चलिए, अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो आप क्या करें पॉज करके उतार लें। तो यहाँ तक हम लोग आगे बढ़े, अब क्या होगा, आगे होगा कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए और एंगल सी, उस पार लेके चले जाते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो गया, और एंगल ये हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी, उसको भी उस पार लेके जाते हैं माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी। अब क्या हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री से ए और सी अगर हटा दें तो क्या बचेगा, बी और डी बचेगा, बी और डी दैट इज एंगल बी प्लस एंगल डी, वैसे हाफ कॉमन लेने की अब जरूरत नहीं है, इसको तुमको हटाना ही पड़ेगा, एंगल बी बाई टू माइनस एंगल सी बाई टू, तो ये बी और ये बी बटे दो अगर हट जाए तो हाफ बी बचेगा एंगल, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बटे दो क्या होगा बताइए, टू एक्स माइनस एक्स बटे दो बराबर एक्स बटे दो आएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई टू क्या होगा, हाफ एंगल बी डी माइनस डी बाई टू, डी माइनस डी बाई टू हाफ ऑफ एंगल डी बचेगा, दैट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी का मतलब क्या, ए बी सी, ए बी सी, एंगल डी का क्या मतलब है ए डी सी, ए डी सी है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने सैंपल्स वाले करवा दिए, और आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्या कर दूंगा, होमवर्क दे दूंगा, वो आपको ग्रुप में बना के डालना है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।